हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? तो आप इनके हेयर की लेंथ अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हेयर हैं। और इस पे मैं आज स्ट्रेट कट करूंगी और वो भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो बने रहिए मेरे साथ में और देखते जाइए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना आप। अच्छे से हेयर को गीला कर ली हूँ और कोम करके टैंगल फ्री कर लूँगी ताकि हेयर अच्छे से रेडी हो जाए कटिंग करने के लिए। आज मैं इनका जो हेयर है वो एक ही साथ कट करूंगी और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने टू फिंगर्स के बीच में सेट नहीं करूंगी। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। कोम करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ लाना है, ये देखिए इनका हेयर काफ़ी ज़्यादा फंस रहा था, तो अच्छे से मैं और अच्छे से कोम कर लूँगी ताकि कहीं भी गांठ ना रहे। और इस तरीके से कोम में फंसाना है। आपको एक बड़ी सी कोम ली लेनी है जैसे कि मैं ली हूँ, और कोम के ऊपर से जितना तक आपको रखना है वहाँ तक कोम सेट कर देंगे और कट कर देंगे। देखिए आपको मैं कोम में हेयर दिखा देती हूँ, इतना सही सिर्फ मैं कट की हूँ, ये देखिए। और कोम को जो है अभी मैं एक बार दोबारा अच्छे से रीचेक कर लूँगी, बट आप देख सकते बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से सेट कटिंग हो चुका है। और दोबारा चेक करने के लिए भी मैं कोम से ही करूँगी, अपने हाथों से नहीं करूँगी। ये देखिए कोम को फंसाना है और ऐसा कट कर देना है। बहुत इजी तरीका है, कितना भी जो शॉर्ट हेयर हो, लाइट हेयर हो या बहुत ही ज़्यादा थिक हेयर हो, आप सब पे इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर किसी को टू फिंगर्स के बीच में हेयर जो है ऐसा ग्रिप करके कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने जो टू फिंगर्स के बीच में सेट ना करके आप इस तरीके से कोम जो है फंसा लीजिए हेयर पे और कट कर दीजिए। कोम को वहाँ तक आप रखिए जहाँ से आपको कटिंग करनी है, वहीं पे आप सेट कर दीजिए कोम को, वहीं पे रोक दीजिए और उसके ऊपर से या फिर उसके नीचे से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको इनका हेयर सेट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से पैडल ब्रश आप कभी भी जो हेयर जो है अच्छे से कोमिंग करने के लिए, सेटिंग करने के लिए आप पैडल ब्रश ज़रूर यूज़ करें, काफ़ी अच्छा होता है ये। और अब मैं अच्छा सा हल्के से इसको जो है इन साइड में राउंड कर दूंगी, हल्का हल्का सा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगी। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सबको। बहुत इजी तरीका है, आप 2 मिनट्स में ये कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको कोम करना है और कोम को सेट करना है जहाँ से कट करना है और वहीं से आपको सीजर चलानी है। तो देखा ना कितना आसान तरीका है कटिंग करने का। ये हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर एकदम अच्छे से कटिंग हो चुकी है। तो मिलती हूँ आप लोगों को मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके कि कैसा लगा। ये है इनके हेयर्स का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप अपने पार्लर में या घर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से कोम फंसाना है और कटिंग करनी है।